एनएसयूआई छात्र संघ ने आज कोल्हान के कोऑर्डिनेटर के दफ्तर में एक धरना दिया और उनसे चिट्ठी देकर ये मांग करी कि जो छात्र छात्राओं को समय नहीं मिल पाता है कई बार फॉर्म भरने का, उनको फॉर्म भरने का समय दिया जाए। उन्होंने उसका तर्क ये दिया कि कई बार कोल्हान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या तो सर्वर डाउन होता है या और किसी दिक्कत के कारण उस पर लॉगिन नहीं हो पाता। बाद में इसको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो समय मिलता है वो लगभग एक दिन का होता है, 24 घंटे से कम का, और इस दौरान जो है इतना आनंद फानंद में भर पाना मुश्किल होता है, जिससे कई बार बच्चों का फ्यूचर बड़ी खटाई में पड़ जाता है। इसको लेकर छात्र नेता ने यह भी कहा कि आज तो उन्होंने शहर के दफ्तर को घेराव किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में भी तालाबंदी करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। आइए सुनाते हैं छात्र नेता प्रभजोत सिंह ने और क्या बताया मीडिया को। कोल्हान यूनिवर्सिटी के शाखा कार्यालय में शांति प्रिय ढंग से एनएसयूआई के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, क्योंकि कोल्हान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में बहुत सारी त्रुटियां, जिसके वजह से छात्रों को हमेशा धरना बंद करना पड़ेगा। एनएसयूआई जिंदाबाद। कोल्हान यूनिवर्सिटी के शाखा कार्यालय में शांतिप्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म छूट गया है, जिसका वजह से उनको एक साल बर्बाद हो जाएगा। और कोल्हान विश्वविद्यालय जब से बना है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसमें ऑनलाइन की वजह से बहुत सारे सर्वर डाउन होता है तो कभी कुछ होता है, और जब ऑफलाइन का डेट निकालते हैं तो ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन का डेट 9-10 तारीख तक था और एग्ज़ामिनेशन का 9 तारीख तक था। तो एक दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन का डेट और एक दिन के बाद एग्ज़ामिनेशन का डेट, तो एक दिन के अंतराल में तो नहीं कोई बच्चा भर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से आए हैं, और हमने कोल्हान के वीसी से भी बात की थी, लेकिन वीसी का पता नहीं कब उनका पद चला जाए, तो इसलिए हम एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर को यहाँ से लेटर पहुँचा देंगे। और देखिए, अगर नहीं मांग पूरी करते हैं तो हम लोग यहाँ से लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय का जो वहीं तक तालाबंदी करेंगे। क्या नाम हमारा प्रभजोत सिंह है, एनएसयूआई स्टेट के कोऑर्डिनेटर हूँ मैं।